हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं दुर्गापुर से। लास्ट 3 मंथ से मैं दुर्गापुर में थी। दुर्गापुर मेरा होम टाउन है और लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही हम लोग आए थे यहाँ पे और बस फंस गए। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हम लोग सब यहीं पे हैं। फंस गए नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं, मेरे मम्मी पापा सब लोग एक साथ थे, वही तसल्ली था। मेरे हस्बैंड आईटी सेक्टर में काम करते हैं और उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स का अचानक से रिक्वायरमेंट हो गया, तो हम लोग आज जा रहे हैं कलकत्ता। ये 195 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, नेशनल हाईवे से हम लोग जा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ ये शेयर करने का कि कैसा है हम लोगों का रोड का एक्सपीरियंस। और ये भी है कि हम लोग ऑरेंज जोन से रेड जोन जा रहे हैं, तो देखते हैं पुलिस है कि नहीं, रोड पे कुछ प्रॉब्लम होता है कि नहीं। मगर फिर भी अभी तो अनलॉक का टाइम है, शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज ही वापस आ जाए, क्योंकि मेरी बेटी मेरे मम्मी पापा के साथ है और मैं बेटी को छोड़ के तो अकेली नहीं रह सकती। मगर मैं सामान तो ले चुकी हूँ कि अगर एक दिन का हॉल्ट करना पड़े तो फिर भी मैं तो कोशिश करूँगी कि आज ही वापस हम लोग आ जाए। जितना भी सैनिटाइजेशन या हाइजीन का है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं मेंटेन करने का। देखिए, मैं ग्लव्स, ये सनग्लास, ये मास्क, ये सब ली हूँ। और यहाँ पे मैं हैंड सैनिटाइज़र भी ले चुकी हूँ। और हम लोग खाना वगैरह सब कुछ ले लिए, पानी खाना वगैरह। एक बार भी हम लोग रुकेंगे नहीं। अभी देखिए, रास्ते में पुलिस का कुछ चौकी वगैरह है यहाँ पे, अब देख लीजिए, यहाँ पे चौकी है, पुलिस है। तो ये है हाईवे का सिचुएशन। बहुत दिन बाद हम लोग हाईवे में हैं। 3 मंथ्स के बाद मैं अपना घर जा रही हूँ कलकत्ता में। पता नहीं घर का भी हालत कैसा होगा। फिर भी चलिए देखते हैं, एक साथ चलते हैं। कुछ मैं रिकॉर्ड करूँगी इस बीच, क्योंकि 195 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो मैं तो कुछ ना कुछ आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए एक साथ चलते हैं कलकत्ता, देखते हैं कैसा है सिचुएशन। सो वेलकम टू कलकत्ता। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, मगर प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं बीच में सो गई थी। बहुत सारा प्लान किए थे, बहुत कुछ रिकॉर्डिंग करूँगी सोची थी, मगर क्या करें, मेरा आँख लग गया। ऐसा ही होता है, बहुत सारा प्लान करने पे ऐसा ही होता है। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं टूवर्ड्स हुगली ब्रिज। ये बहुत ही फेमस एक जगह है, आप लोगों को मैं दिखाऊँगी एक झलक हुगली ब्रिज का। और रिवर भी दिख रहा है और सामने, ये देखिए, ब्रिज के ऊपर है हम लोग। अगर जो आप लोग कलकत्ता से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि ये जगह कितना इम्पॉर्टेंट है कलकत्ता के लिए। अगर बाहर से है तो आप लोगों को पता है, अगर आप आते हैं कलकत्ता तो ये मस्ट विजिट एक जगह है। ये देखिए ब्रिज, और वहाँ पे है हुगली नदी, और ऑपोजिट साइड में दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, देखिए मंदिर दिख रहा है, वो है दक्षिणेश्वर टेम्पल, जो कि कलकत्ता के लिए एक हेरिटेज साइट है और बहुत ही फेमस जगह है। इसके साथ जुड़े हुए स्वामी विवेकानंद जी ऑपोजिट में ही है, देखिए रिवर के ऑपोजिट में। ये मैं दिखा नहीं पाई, वो थोड़ा सा मंदिर का हिस्सा दिख रहा है, ऑपोजिट साइड में ही है स्वामी विवेकानंद जी का जगह, वो है बेलूर मठ। आने के टाइम वो वीडियो में शूट की हूँ बेलूर मठ का, बहुत छोटा सा है मगर मैं शूट कर पाई, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसे तो लोग हज़ारों में यहाँ पर डेली आते हैं, हज़ारों में मतलब, मगर इस टाइम में देखिए लॉकडाउन के वजह से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। एनीवे, हम लोग न्यू टाउन में आ चुके हैं। देखिए, ये स्पेंसर है, सामने बिग बाज़ार है, ये सब मॉल्स है, होटल्स, ये सब जगह है। बाकी टाइम में ये सब जगह बहुत बिजी रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, मगर मुझे दिख रहा है कि अभी थोड़ा खाली खाली जगह है। मगर देखिए, खाली खाली होने पे भी लोगों में उतना जागरूकता तो नहीं है। ज़्यादातर लोगों को ही मैं देखी थी कि विदाउट मास्क, विदाउट ग्लव्स, विदाउट ग्लासेस और सैनिटाइज़र, तो दूर की बात, ऐसे ही घूम रहे हैं, एक साथ चाय की दुकान के सामने बहुत सारा एक साथ होके गप्पे मार रहा है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मगर बगल में ही यहाँ से एक डेढ़ किलोमीटर के अंदर ही है ऐसा जगह जो कि कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पे बहुत सारा कोरोना का केसेस है। एनीवे, क्या कर सकते हैं, ये अपने आप में डिपेंड करता है, सरकार भी कितना कर सकता है। ये देखिए, ये शॉपर स्टॉप है, इसका हालत ख़राब है, इधर उधर से फटा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये अम्फान के वजह से ऐसा
कैसा हालत हुआ है। ये देखिए सिटी सेंटर, ये सिटी सेंटर 2 है। हम लोग यहाँ पे बहुत आते थे। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ उससे एक वीक पहले भी मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे आके मूवी देख के गई थी, मगर अभी तो सब कुछ हिस्ट्री है। अभी क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा है सर्वाइवल। अभी बच्चों और बुज़ुर्ग जो भी है उनको संभाल के ठीक से रखना, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए ये अभी मैं जा रही हूँ टूवर्ड्स माई फ्लैट इन न्यू टाउन, और देखिए ये बगल में वेस्ट साइड है, और लेफ्ट हम लोग लेंगे उसके बाद ही मेरा फ्लैट आ जाएगा। एनीवे इस वीडियो में मैं अपना फ्लैट शेयर नहीं कर पाऊँगी आप लोग के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करती हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स, बाय।